छोटा छोटा प्यारा प्यारा बैग, मैं तो पापा का परा समझ रहा था, ये तो पापा की परी निकली। आजकल देहरादून में करने के लिए कुछ है ही नहीं यार। ये जो साथ में मेरे दोस्त है, इतना आलसी भाई साहब, पूछो मत, हर समय लेट ही रहेगा। उसको मैं बोल रहा हूँ चल घूमने चलते हैं कहीं पर, तो चल नहीं रहा है। बस यार अभी थोड़ा मसूरी साइड चलूँगा मैं एक राइड मारने के लिए, तो आराम आराम से हौले हौले चलेंगे। तेरे बच्चे 100 साल जिए, पर जितना कमी ना तू है ना 30 साल भी ना जिए। राइड में जाना है तो भाई ग्लव्स तो चाहिए ही ना, सेफ्टी गियर समय से पहने रखो। मेरी तरह मत बनो कि जैकेट होने के बाद भी अपने विंडशीटर में चलता हूँ हमेशा, क्योंकि वो मुझे अच्छा लगता है। पेट्रोल भी भरा दिया, अब तो भाई लंबा ही जाना पड़ेगा थोड़ा। क्यों, बहुत सही है ना, बढ़िया एकदम। यहाँ से मुड़ते हैं घंटाघर, घंटाघर में बजने वाले 5। ओ माई गॉड, अभी तो ऊपर वाली रोड और खुली खुली है थोड़ी, अकेली राइड में भी ठीक है। चलो कोई नहीं, या अल्लाह कोई दिला दे अपन को, मेरी ज़िंदगी ऐसी अकेले अकेले में गुजर जाएगी क्या? कभी भी कोई नहीं रहता साथ में, कब कोई ऐसा फरिश्ता आएगा जो मेरे साथ राइड में जुड़ेगा। A few moments later. यार इस रोड में घूमने में कितना मज़ा आती ना, सही है वैसे। ओ भाई ये कौन है भाई, एक और मोटो ब्लॉगर, ओ माई गॉड है। अरे ये तो लड़की है कोई, छोटा छोटा प्यारा प्यारा बैग, मैं तो पापा का परा समझ रहा था, ये तो पापा की परी निकली। वाह यार, अभी यहाँ देहरादून में आके मुझे गर्ल राइडर कोई नहीं मिली। नाइस नाइस बाइक मैन, नाइस बाइक वुमेन, सॉरी। क्या मैं इनके साथ छपरियों वाली हरकतें करूँ? ओ भाई यार ये सही है यार, कितना सही है। मैं भी बात कर ही रहा था, मेरे साथ कोई नहीं है राइड के लिए। रास्ते में कोई भी मिल जाए अपने साथ ज्वाइन करा दूंगा सबको। मैंने गर्ल राइडर इतनी देखी नहीं है, और जो देखी है वो ज़्यादा तेज़ नहीं भगाती। इनके बगल से तेज निकलूँ गाली ना खाऊँ पर मैं। क्या पता ये पीछे से फिर दोबारा आए, हो सकता है। ओ भाई आ भी गई, ये क्या यहाँ पे, ओ कैच करना पड़ेगा। हे बंदर, वो भी मोटो ब्लॉक कर रही है मे भी। यार काश मेरे साथ भी ऐसे कोई राइडर होती जो मतलब साथ दे पाती, राइड में मजा दुगना हो जाता सीरियसली यार। ओ भाई लीन भी कर रही है वो मैडम। मैंने कई लड़के भी देख रखे हैं छपरी छपरी जैसे रहते हैं, लीन के टाइम पे उनकी वाट लग जाती। ये कुत्ते को इशारा क्यों कर रही थी? अरे मैडम कुत्ते ने क्या बिगाड़ा आपका ये बताइए। वो क्या जीना छोड़ दे? मुझे देहरादून आए हुए 4-5 दिन हो गए, पर आज मुझे ऐसा लगा कि वर्थ है भाई देहरादून आना, क्या जन्नत है। मुझे लगता है ये भी ऊपर ही जा रही मसूरी रोड घूमने के लिए। अभी वो पीछे पर रुक गई थी, मैं थोड़ा आगे आ गया, अब फिर दोबारा से मुझे अकेले अकेले राइड करनी पड़ेगी। काश मुझे एक और राइडर मिल जाए कोई, मुझे ऐसा लगता था रुक के उनसे नाम वगैरह पूछ लेना चाहिए था एक बार। अरे भाई ये फिर आ गई, इस बार रोकूं ही ना यार, क्योंकि देखो गर्ल राइडर मुझे अभी तक तो मिली नहीं है, शायद मिले भी ना, मुश्किल मिले। यार कितनी सही है यार, ये मैम रेस लगा रही क्या? इनका मेकअप हो गया धूल से। जस्ट किडिंग यार। देखो मुझे तो ऐसा लग रहा है ना हम दोनों की रेस चल रही है, ठीक है, भले ही वो इतनी रेज वाली नहीं चल रही है, बट हल्की हल्की चल रही है अंदर ही अंदर मन में, क्योंकि वो भी बार बार ओवरटेक कर रही है, ठीक है। सी मैं बोल ही रहा था, मज़ा आ रही है राइड में, ऐसा कोई पार्टनर मिल जाए ना मज़ा डबल ट्रिपल जितना बोलना चाहो बोलो। यार कितनी कूल लग रही है, देखो रेड R15 रेड शर्ट, सी लुकिंग सो हॉट मैन। रेड कलर हॉट ही है भाई, मैं बाइक की बात कर रहा हूँ। यार इन्हें रोकूं? देखो भाई मन तो मेरा कर रहा था बात करने का, क्योंकि कोई ऐसे गर्ल राइडर आपको बार बार नहीं मिलेगी, तो मुझको लगता है मुझे बात करनी चाहिए। यार मैं सोच रहा इनको वियर्ड ना लगे अगर रोकूं तो, दिल पे मतलब कॉन्फिडेंस ला थोड़ा अन्नी, क्या पता ये रुक जाए, क्या पता ये सीधे मेरे ऊपर से ही चढ़ के आगे निकल जाए। इंडिकेटर दे दो पहले, कहाँ गई वो? ये रोक रहे सच में? हे जी कैसे हो? ठीक हूँ। आप कहाँ से हो? मैं यहाँ मतलब देहरादून से ही हूँ, लोकल ही हूँ। अभी हम राइड कर रहे थे ना, तो मैंने देखा, मैंने बोला यार ये कौन जा रहा है, तो मुझे ऐसा लगा गर्ल राइडर, मैंने बोला नाइस यार, अच्छा लगा देख के,
तब थैंक यू। आप मोटो ब्लॉगर हो? हाँ अभी चल रहा था। हाँ तो मैंने आपको थोड़ा व्लॉग में शूट करा उसका। अच्छा। तब देख रहा था मैं, मैंने बोला कि चलो यार एक बार रुक के देखता हूँ, बात करके देखता हूँ। वैसे आप किधर जा रहे थे अभी? मैं तो ऐसे शॉर्ट में बोर हो रही थी तो मैं सोचा शॉर्ट स्पिन राइड मार लेती हूँ ये मैगी पॉइंट तक, फिर वहाँ पे थोड़ा चिल करके ठीक है फिर वापस चल जाओ। मैं भी वैसे बाहर से ही हूँ ना, श्रीनगर साइड से। अच्छा। तो आजकल दोस्त के आया था तब मैंने भी बोला कि यार थोड़ा राइड मार के चलते हैं। तब तो दोस्त को लेके नहीं आया? नहीं उसे नहीं लाया। अरे वो बहुत अजीब सा ऑकवर्ड है, मतलब लेटा सो रहा था सुबह से, बोला भी मैंने उसे आने के लिए नहीं आया वो पर। ओके आई शुड मूव। चलो यहाँ तो बड़ा ट्रैफिक है। अभी वैसे कहाँ जा रहे थे आप? बोला तो शॉर्ट स्पिन राइड था फिर मैगी पॉइंट। अच्छा अभी मैगी पॉइंट जा रहे थे? हाँ नॉर्मली ऐसी कोई। चलो अगर आपको ऑकवर्ड ना लगे तो यार चले कहीं अभी मैगी पॉइंट पे ऊपर फॉर अ कॉफी चलते हैं। चलो हाँ ठीक है, इतना मत सोचो यहीं पर है, चलते हैं अगर आप भी वहीं जा रहे हो तो। चलो ठीक है, वैसे भी मेरे को भी कंपनी मिल ही जाएगी। हाँ वही मैं भी सोलो ही चल रहा था ना, पर अच्छा लगा यार आपसे मिल गया, मतलब अभी चल रहे हैं। अच्छा हाँ अभी चल रहे हैं मतलब, पर फिर भी चलो काफ़ी अच्छी थी, मतलब बात बात भी अच्छे से कर रहे थे। तो अभी किसी कैफे में रुकता हूँ फिर इनसे बात करता हूँ। ये कहने सीम्स नाइस, पर ऐसे कूल लगता है पता कि मतलब कोई रुका और फिर उसने तुम्हें अप्रिशिएट किया, अच्छा लगता है। कहाँ पर रुक रहे? ये सही है, यही रुकते हैं आई थिंक। आपको पता होगा कोई कैफे जो ठीक ठाक हो? अच्छा ज्यादा नहीं बैठती मैं, नहीं आती ज्यादा मसूरी। ये ऊपर वाले में चले, ऊपर बैठने के लिए भी है यहाँ। हाँ वहाँ चलते हैं, इट्स कूल है ना, वहाँ पे करते हैं ना खड़ी, जिनके कैफे में जा रहे हैं उनके कैफे के सामने ही करनी पड़ेगी। तो अभी यहाँ पे रुकते हैं, थोड़ा लग गई यार कितनी हॉट लग रही है, है? बाइक बाइक है भी तो मेरी। हाँ बाइक भी आप ही की। हमने सोचा जब अकेले अकेले आए हैं और मिल भी गए हैं तो साथ में कंपनी दे देते हैं एक दूसरे को। और इन्होंने बोला कॉफी के लिए और ये मुझे फ्रेश लेमन सोडा। हाँ यहाँ के थोड़ा गरम गरम सा फील हुआ तो मैंने बोला लेमन सोडा पी लेते हैं जो ठंडा है। बहुत मीठा हो रहा। वैसे मेरा आइडिया तो देखो ऊपर मसूरी रोड जाने का था, मतलब थोड़ा ऊपर जाना था मसूरी रोड में। हाँ ऊपर जाना था। वाह क्या सीन है। तो यार देखो अभी हम यहाँ पे आए, काफी देर से बातें कर रहे थे तो मुझे लगता है सही टाइम आ ही चुका है। अपना इंस्टाग्राम का अकाउंट बताना मैम प्लीज। क्या है मतलब फॉलो कर सकता हूँ? तो कर लो, मेरे फॉलोवर बढ़ेंगे। मतलब जब से यहाँ हूँ मैं देहरादून में मुझे कोई भी गर्ल राइडर अभी तक दिखी नहीं, और वो भी इतनी टैलेंटेड। तो अब मुझे यहाँ मिली है तो भाई फॉलो करना तो बनता ही है ना, इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। फिर से बोलो स्टार्टिंग से, सब बोलो है स्टार्टिंग से बोलो एक बार। तो ऐसे तारीफों के फूल बन गए थे। अच्छा ये वाला 7743 ओके फॉलोड। तो इन देखो अभी एक ही बड़ा है यार, हम दोनों की प्रोफाइल नीचे डिस्क्रिप्शन में होगी, चेक करना जाके वहाँ फॉलो करो जल्दी से। अगली बार आऊँगा, अगली बार ही मिलना यार, तब चलेंगे कहीं राइड पर ठीक है। हाँ फिर ऐसा होता है कि अभी तो रैंडमली मिले, जब नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो ऐसा प्लान प्लूम करके मिलेंगे तो एक्चुअल राइड कर। हाँ वो एक्चुअल राइड होगी, अभी तो जैसे हमने करी रैंडमली यार। भाई ये कितनी बार बार ओवरटेक कर रही थी, मैं डर रहा था यार, मतलब हमारी सेफ राइड थी एक तरह से, इतनी ज्यादा रेज वाली ड्राइव नहीं थी इतनी कोई, पर ठीक था मतलब जितना भी था बढ़िया था। Exactly. मतलब कोई ज्यादा छपरी हरकत है सिंपल वर्ड में वो नहीं थी बिल्कुल भी। आज तक तो कभी मिला नहीं कोई ऐसे, पहली बार ही दिखा है तो मैंने बोला एक बार रुक के बात करते हैं। भूख लग रही है यार, पहले तो बहुत राइड कर दिया। अभी मैंने कुछ देखा, मतलब इन्होंने अपना बैग खोला जो मतलब डोरेमोन की पॉकेट थी वो दिख गई मुझे। यही बोलता है। एक बार डोरेमोन की पॉकेट देखो, ये है क्या? इत्तू से बैग में इतनी सारी चीजें कैसे आ सकती है? ये टैलेंट बताओ हमें भी। ये तो मेरा टैलेंट है। मेरा कूल सा कोरियन जैसा चश्मा है जिसे मैं बहुत कूल लगता हूं। कोरियन गर्ल। नहीं अरे मैं ऐसे कर रहा था। अभी एक बहुत अनोखी चीज हुई है, इनको भी नहीं पता है। क्या? अपना सोडा पीना था जरा। पर उसे बचाना पड़ेगा, मजाक में सुसाइड करवा दिया उससे। तो यार देखो आ गए हम यहाँ से, खाना खुना भी हमने पेट पूजा कर दी सारी, अब बारी है घर की तरफ निकलने की। मजे की बात अभी बताता हूँ मैं, जो इनका घर है वो यहाँ से 30 किलोमीटर दूर है। 40 किलोमीटर दूर भाई। अब वैसे तो इन्होंने जल्दी चले आना था बट किसी गधे की वजह से रुकना पड़ा। है ना मुझे पता है, हूँ पर बोलना नहीं चाहिए ऐसे। चलो
सपोज मानो चलते चलते उन्होंने ब्रेक मारा हम उनके ऊपर, मतलब बाइक के ऊपर, थोड़ा दूरी बनाई रखनी पड़ेगी लड़कियों से, वैसे दूरी तो बनाए रखनी पड़ती है। सेफ टॉक अबाउट स्किल्स, तो बहुत ही अच्छी स्किल्स है बाइक के मामले में, और मैंने उनसे पता करा कितना टाइम हो रहा आपको, तो सिर्फ अबाउट 1 ईयर हो रहा है इनको बाइक चलाते हुए। मैं तो इधर जाऊंगा। चलो ठीक है, मिलते हैं आपसे फिर दोबारा, अच्छा लगा आपसे मिल के, बाय 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 बाय। चलो ठीक है, ओके टाटा। तो चले गए वो भी घर अपने, और बहुत सही लगे यार वो राइडर, तो पहली मेरी राइडर महिला मित्र बनते हुए। चलो देहरादून आने का कुछ तो फायदा हुआ मेरा। क्या अंकल माइलेज? अंकल 20 का, 20 अंकल भी ऐसा लग गए। वहाँ पर 20 का जो माइलेज है भाई, वो स्पीड ले लेती है ना पूरा, मज़ा तो इसकी पावर में है। तो काफ़ी अच्छा लगा यार मेरी महिला मित्र राइडर से मिलके। डू कमेंट लाइक शेयर सब्सक्राइब, और थैंक यू देहरादून, आपने मिलाया मुझे उनसे। और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय एंड पीस आउट गाइस, पीस आउट। दोस्तों एक राज की बात बताऊं, पहले मुझे R15 बाइक पसंद नहीं थी, पर अब पता नहीं क्यों पसंद आने लग गई।